हाय एवरीवन, आज हम चावल के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। इसके आगे समोसा कचौरी सब फीकी लगेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप चावल का आटा ले लिया है। अब हम गैस पर चलते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक कप पानी डालेंगे, थोड़ी सी नमक मिलाएंगे, आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम बॉयल आने देंगे, पानी में बॉयल आ गई है। एक कप चावल का आटा डालेंगे, गैस का फ्लेम लो करके हमें इसको चलाते ही रहना है जब तक ड्राई ना हो जाए। इसी तरह से हमें चलाते ही रहना है, इस प्रोसेस को गैस का फ्लेम लो करके ही करना है। ड्राई हो गई है, कढ़ाई में से छोड़ दिया है। अब गैस को ऑफ करके ठंडा करके ले लेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच सौंफ डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दोनों चीज़ों को चटकाएंगे, दोनों चीज़ चटक गई है। एक बारीक कटी हुई प्याज है वो डालेंगे। दो मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। प्याज को भून लिया है, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो डालेंगे। साथ ही दो हरी मिर्च डालेंगे, कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। भून लिया है, एक कटोरी बॉयल मटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो करके हम मसाले मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, दो बॉयल आलू को मैश करके ले लिया है वो डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। कर लिया है, चार की मदद से हम इस तरह से आलू और मटर को मैश करेंगे। मैश कर लिया है, थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे, आधी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, इससे नाश्ता चटपटी बनेंगे। मसाले के साथ हम दो मिनट भून लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करके ले लेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। इधर डो हमारी ठंडी हो गई है, थोड़ा सा गुनगुना गर्म है, ऐसा ही चाहिए हमें। दो चम्मच मैदा मिलाएंगे, मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हो। अब हम मिक्स करेंगे डो के साथ, आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स कर लिया है, चकला ले लिया है, चकला के ऊपर ले लेंगे और दो हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्सा ले लेंगे, इस तरह से गोला करेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब हम बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। एक ढक्कन ले लिया है, अब हम इसको कट लगा लेंगे। इसको हम दोबारा बना लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। देखिए सभी को बना के रेडी कर लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। एक पीस ले लेंगे, चकला के ऊपर रख लेंगे। इधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है, एक चम्मच ले लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। एकदम बीच में रखना है, इसको हल्के से फैला लेंगे रोल करके, फिर इस तरह से ले आएंगे। देखिए फिर इसको बंद करेंगे, दबा लेंगे। चम्मच ले लिया है, चम्मच को हम मैदा के अंदर इस तरह से डीप करेंगे ताकि चुपके ना, हम जब डिज़ाइन करें इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे, देखने में सुंदर लगेगा। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी नाश्ता को रेडी करके ले लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। तो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके लेना है, अब नाश्ता को डालेंगे। डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके सेक लेंगे। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे। फिर से पलट लेंगे, इधर भी कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है। अलट पलट के दो तीन मिनट और सेक लेंगे ताकि ऊपर तक क्रिस्पी हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम करके सेकेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो, सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो। अगर रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी बना सकते हो। इसको खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी भी है। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया बनी है। देखिए देखिए और कितनी क्रिस्पी बना है, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर की स्टफिंग, इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।